बीते मंगलवार आईजीएमसी शिमला में कोरोना वॉरियर द्रौपदा की कोविड की चपेट में आने के बाद मौत हो गई। इसको लेकर सीपीएम विधायक राकेश सिंघा ने सरकार को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि कुछ चहेतों की ड्यूटियां कोविड काल में नहीं लगाई जा रही, जबकि अन्य लोगों की ड्यूटियां लगातार लगाई जा रही हैं और वे ड्यूटी करते हुए शहादत पा रहे हैं। उनका कहना है कि सबकी बराबर ड्यूटियां लगनी चाहिए। सुबह जब मुझे खबर मिली कि हमारी एक स्टाफ नर्स द्रोपता जी 18 दिन वेंटिलेटर पर रहकर उनकी हम उनको बचा नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई, उस समय से लगातार मैं इस बात पर दिमाग चला रहा हूं कि क्या कारण है क्या नहीं है। और देखिए, मैंने आज से पहले बोला नहीं, ये सूचना मुझे आती रही कि अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसे मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो सरकार के चेते हैं। मैंने इसलिए नहीं कहा, मैंने कहा लड़ाई चल रही है, जिम्मेवारी निभाई जा रही है, और ऐसे समय में मैं इस बात को कह दूं अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन जब द्रोपता जी की डेथ हो गई, जो लगातार ड्यूटी देती रही, उसने ये नहीं देखा कि घर की क्या समस्या है, उसने ये नहीं देखा कितनी थकावट उसको है, उसने ये नहीं देखा कि वो कोरोना कब चिमट गया, लगातार वो सेवा लोगों की करती रही जिनको कोरोना चिमटा। अब रियलिटी क्या है, चाहे डीडीयू है, चाहे वो आईजीएमसी है, चाहे वो कुछ और हॉस्पिटल हमारे हैं, वहां पर एक ऐसे चेते हैं सरकार की, उनकी लिस्ट को भी मैं सार्वजनिक करूंगा, उस लिस्ट को सार्वजनिक। लेकिन अभी दोनों को मैं मौका दे रहा हूं, सरकार को मौका दे रहा हूं, हेल्थ सेक्रेटरी को मौका दे रहा हूं, ये मंत्री महोदय को वो मौका दे रहा हूं, और उन लोगों को मौका दे रहा हूं जो सिफारिश की वजह से इस लड़ाई में शामिल होने से बच रहे हैं। लड़ते लड़ते मृत्यु हो जाए, उसको मरना नहीं कहते, उसको शहादत कहते हैं। शहादतें होगी लड़ाई में, ना जाने कौन कौन जाएगा, संभव है हम भी जा सकते हैं, लोग याद रखते हैं। लेकिन चुप कैसे, जो लड़ाई पर के अंदर जिम्मेवारी है उसको नहीं निभाओगे तो हम किसी को उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है, ऐसे लोगों को हम जनता के आगे बिल्कुल नंगा करेंगे, और जिस मंत्री की सिफारिश थी उसको भी सार्वजनिक करेंगे। तो मेहरबानी कर समय के रहते हुए जिन जिन लोगों ने इस प्रकार की सिफारिश की है और दूसरे मेडिकल ऑफिसर पर, मेडिकल स्टाफ पर बोझ जो पड़ गया है, उनको बचाने के लिए, नहीं तो वो संभव नहीं है कि कोई लगातार ड्यूटी कर पाएगा। जब सामूहिक तरीके से कार्य किया जाएगा तभी हम इस कोरोना की लड़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। इतनी मैं विनती सरकार से करना चाहता हूं, इसमें छानबीन करे और जो जो ड्यूटी से बचाना चाहते हैं उनको ड्यूटी पर डाला जाए, अन्यथा मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा, उन नामों को सार्वजनिक करूंगा और उनके नाम भी सार्वजनिक करूंगा जिनकी सिफारिश थी उनको बचाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।